जिले के माझा थाना अंतर्गत मधुसरिया गांव निवासी एक युवक गुड्डू कुमार को उस वक्त चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया जब वो आरोपियों से अपना बकाया पैसा वापस मांगने गया था। वहीं घायल युवक को परिजन सदर अस्पताल ले गए जहां से गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया जहां वो अपने जीवन का जंग लड़ रहा है। परिजन का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस के द्वारा एक भी लोगों को गिरफ्तारी नहीं की गई है तथा आरोपित लगातार धमकी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गोपालगंज। मेरा नाम गुड्डू कुमार यादव है, मेरा घर मधुसरिया है। मैं जा रहा था तो वो लोग बुलाया था, हम लोग को पैसा बाकी था तो घेर कर वो लोग क्या किया कि धुलन और चंदे गाली गुलज देने लगा, बड़ा मारे चुत मार के मंगा दो। तब तक मिथुन और बलिंदर हमको पकड़ लिया, सामने से कुंदन चाकू मार दिया और सलेंदर पीछे से मार दिए। तब तक हम घायल हो गए और आसपास के लोग हमारे गांव पर आवाज़ दिए तो आए लोग। क्या मांग करते हैं आप, किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई तक कार्रवाई नहीं हुई है, एक महीना हो गया। 8 तारीख को हमको लगा था चाकू, करीब 7 बजे। थाना में आवेदन दिए आपने? हाँ, आवेदन दिए हैं। बाबू जी अपना पैसा लिए हुए अथी माँ बोला जी पैसा के लीजिए, और गाँव में लिए तो वही पकड़ के लगे मारे, मार के चाकू से गिरा दी गए। गाँव के लोग सिले हुए तो गवे ले गए, कुल लोग तो उठा पुटा के लिए गवे रहे तो सर हर पैसे में अथी कर दिए, रेफर कर दिए गए तो गोरखपुर जाकर भर्ती हो गए। तब हम लोग एक ही सोच को आया तो लागू नहीं हुआ रहे, कोई सरकार नहीं मान रहे हैं। क्या मांग करते हैं? तो मान करता है तो हम लोग तो गरीब हैं तो कहाँ से इतना पैसा आएगा जो उसको अथी करेंगे। वो लोग लागू नहीं करा, वो लोग घूम रहा है जो मारा है वो घूम रहा है। हाँ, वो घूम रहा है। थाना में गए थे आप लोग? हाँ, थाना में गए ले तो बाकी लागू नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं जो इस उसको पकड़ के ले जाने के, उसको थाना में ले जाकर उसको सजाई करो। मेरे बच्चे को तो अथी कर दिया, हाथ के पाँव लोग आदमी वैसा ही है, मैं क्या करूँगा। हम लोग के गरीब आदमी हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं जो आप लोग तन कार्रवाई कर रही है उसको लोग, जो मेरे को गरीब गुरबा आदमी का कुछ होती नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। भाई है कि मेरा नाम अनिल कुमार यादव है, ये मेरा भाई है। लोग के पास पैसा बाकी था कुछ, जो लेने जो पैसा लेने गया अपना, वो लोग बुलाया था पैसा देने के लिए। जब भी पैसा लेने गया तो उन लोग का पहले से प्लानिंग था मारने का, वो लोग सब आपस में बातचीत कर लिया था, लोग हथियार उथियार रखा था लोग मारने के लिए। जब भी अपना पैसा मांगने गया तो वो लोग पकड़ के इसको गाली गलौज देने लगा। जब भी गाली गलौज देने से मना किया तो ये लोग इसको चाकू से और पकड़ के मार उड़ दिया लोग। तो हम सर आपसे यही मांग करना चाहते हैं कि हम थाना में भी गए और जहाँ भी मतलब जाना है वहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं पड़ा अभी तक। आ वो लोग जो मारा है लोग अभी खुलियाम घूम रहा है लोग और धमकी दे रहा है लोग कि थाना उना में जाएगा तो फिर मारेंगे लोग। अभी आपका भाई का क्या हालत है? अभी मेरा भाई का बहुत बुरा हालत है।